अस्सलाम वालेकुम, माय यूट्यूब फैमिली है। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि ब्लड सैंपल कैसे लेते हैं। ब्लड सैंपल के लिए हमें ज़रूरत किस चीज़ की होती है? हमें होती है ज़रूरत एक अदद सिरिंज की और गॉस पीस वगैरह जो भी हो। और तीसरा जो चीज़ है, जिस ट्यूब में हम ब्लड लेते हैं, जिस चीज़ के लिए हम ब्लड लेते हैं, हम उसी कलर के ट्यूब यूज़ करते हैं। ये जो है, मैं ब्लड ले रही हूँ ब्लड ग्रुप के लिए, तो उसके लिए हम पर्पल ट्यूब यूज़ करते हैं। इस पर भी मैं एक अलग से वीडियो बनाऊँगी कि कौन कौन से ट्यूब किस किस चीज़ के लिए यूज़ होते हैं ना, तो फिर आप वो ज़रूर देख लीजिएगा। चलिए जी, स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी, हम सिरिंज को खोलते किस तरह है? तो इसमें इस तरह की जगह होती है, जैसे ये थोड़ा सा मैंने खोला भी है, तो इसे फिर हम ऐसे खोल लेते हैं ना। पहले हम चेक करते हैं सिरिंज को, उसे सही से वो करते हैं, मजबूत कर देते हैं ये जगह, और जब फिर इस तरह से भी चेक करते हैं कि ये ठीक है कि नहीं है। अच्छा जी, ये बिल्कुल ठीक है ना। अब हमने वेन को प्रोमिनेंट करना है कि वेन कौन सा है जिससे हमने ब्लड लेना है। इसके लिए हम ऊपर से टर्निकेट बांधते हैं, लेकिन हमारे पास टर्निकेट अवेलेबल नहीं है। अच्छा जी, नर्सिंग में जो है ना, ब्लड सैंपल लेना ये बहुत ज़रूरी है। हर जगह हमें कहा जाता है कि जाके ब्लड लो, इससे ब्लड लो, उससे ब्लड लो। इन्वेस्टिगेशन जो है ना, वो हमारे काम होते हैं, इन्वेस्टिगेशन के लिए ब्लड लेना। तो हमें प्रॉपर तरीका आना चाहिए कि ब्लड कैसे लेते हैं, और हमने अपने फील्ड में ज़्यादा बोल्ड होना है। तो ठीक है, हमने बोल्ड होके ब्लड लेना है। ये देखिए, मैंने वेन प्रोमिनेंट किया, वेन आपको नज़र आ रहा है, दिस वन। अच्छा जी, अब हम सिरिंज को चेक करेंगे। सिरिंज को चेक करके हम ब्लड लेना स्टार्ट करते हैं। ये देखिए, ब्लड आ गया, ये नजर आ रहा है आपको। अच्छा जी, ये मैंने लिया ब्लड सैंपल। अब हम इसे यहां पर रख के आराम से सिरिंज को खींच लेंगे। अब इसमें कैसे डालेंगे? तो इसमें ऐसे डालेंगे। आपने अपने हाथों को देखना है ताकि ये आपके हाथों को लग ना जाए सिरिंज नीडल। ये वापस हमने बंद किया और इसे हम डिस्कार्ड करेंगे। ये हो गया आपका ब्लड सैंपल। इसे थोड़ा सा शेक करते हैं ताकि ये अंदर क्लॉट ना हो जाए। तो हमने ब्लड सैंपल ले लिया, ये ब्लड ग्रुप के लिए है। चलिए जी, मजीद आपको कोई वीडियो देखनी हो, आपको किसी चीज़ की समझ नहीं आ रही हो, तो मुझे बताएं, मैं आपके लिए स्पेशल वीडियो बनाऊंगी। चलिए जी, अल्लाह हाफिज़।